हेलो बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और ये ओपन बुक पद्धति के हिसाब से लिए जा रहे हैं, जिसमें आपको घर बैठकर उत्तर लिखने हैं। तो अगर आप घर में बैठ के उत्तर लिख रहे हैं तो बच्चों सही और सटीक उत्तर लिखिए, और अगर सही और सटीक उत्तर चाहिए तो DSR फॉर यू आपका बहुत ही मदद करेगा इसमें आपको उत्तर लिखने में। तो देख लेते हैं हमारा जो हिंदी विषय है कक्षा 10वीं का, उसका यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके लिए। आपको पहले हेडिंग डालनी है, सही विकल्प लिखिए। इसके बाद जो पहला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा है। देखें, आपको बहुत अच्छे से लिखना है, बहुत सटीक ढंग से लिखना है उत्तरों को, लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट है वो भी इससे बन सकता है, जैसे कि चांसेस बन जाए अगर, तो इसलिए इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। तो पहले का उत्तर है सावा बा वाला, संबत 1375 से संबत 1700, ठीक है, ये बा वाला लगा लीजिएगा सही विकल्प में पहले में। दूसरा है रामचरितमानस की भाषा कैसी है, अवधि, इसका उत्तर बा वाला लगा लीजिए आप लोग। तीसरा है रौद्र रस का स्थाई भाव, तो रौद्र रस क्या होता है, जहाँ पे क्रोध आए, गुस्सा आए, वो होता है रौद्र रस। तो इसका तीसरे का आप सा वाला लगा लें, क्रोध, ये होगा इसका उत्साह रस जो है वीर का होता है, ठीक है, तो रौद्र का हो जाएगा क्रोध। फिर चौथा है नेताजी की मूर्ति लगवाई थी, नेताजी की मूर्ति किसने लगाई थी, तो नेताजी की मूर्ति वहाँ की नगर पालिका के द्वारा लगाई गई थी, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा बा वाला। फिर पांचवा है चिकित्सालय का समास विग्रह, तो जैसे विद्यालय का होता विद्यालय, वैसे चिकित्सालय का होगा चिकित्सा का आलय, तो इसका भी बा वाला लगा लीजिए। लास्ट वाला है सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ, आकर कहाँ छिपे थे, तो वो अपनी माँ के आंचल में, मतलब मैया के आंचल में, दा वाला लगा लीजिए। इसके बाद बारी आती है रिक्त स्थान की, तो रिक्त स्थान में आपको हम बता दें बच्चों, पहला वाला जो है वहाँ पे है अंतिम लिख लीजिएगा, विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी, तो इसमें अंतिम लगा लीजिएगा। दूसरा होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते, अलंकार कहलाते हैं। तीसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किसकी परिभाषा है, तो ये भरत मुनि की परिभाषा है, आचार्य विश्वनाथ जी ने क्या बताई है, रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं, ठीक है, तो ये भरत मुनि की है परिभाषा। फिर चौथा है आत्मकथा के लेखक कौन होता है, स्वयं लेखक ही होता है, आत्मकथा में लेखक किसके जीवन का वर्णन करता है, स्वयं के जीवन का। फिर यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसका होगा बच्चों अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति में अव्ययी भाव लगा लीजिए आप लोग। फिर छठवा वाला है कभी कभी खालिस्तान हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, कौन लड़ते थे, बाबूजी। और लास्ट वाला है हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा बच्चों जापान में है। बहुत अच्छे से आपको इनका पूरा लिखना है, पूरा लिखना है आपको, बीच में उत्तर लिखना है, खाली उत्तर अकेले नहीं लिखना है, खालिस्तान में पूरा लिखना है, उत्तर को आप डार्क पेन से मतलब ब्लैक पेन से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बारी आती है सही जोड़ियाँ की, तो जिसमें पहला है जैसे छाया मत छूना, तो बच्चों ये जो छाया मत छूना है इसके हैं लेखक या जो कवि, जो भी है ये कविता है या पाठ है, इसके लेखक होंगे गिरजा कुमार माथुर, मतलब कि चा वाला ऑप्शन, मैं निशान बता दे रहा हूँ यहाँ टिक करके। फिर दूसरा है पृथ्वीराज रासो, ये एक महाकाव्य है, बिल्कुल सीधे सीधे खा वाला लगा लें आप। फिर तीसरा है एक कहानी यह भी, ये है मन्नू भंडारी की रचना, मन्नू भंडारी ने लिखी हुई है। फिर इसके बाद है ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो ये कहलाता है इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद आती है अगले वाले की बारी, 9-2-11 होना, तो बच्चों यहाँ पे जो 9-2-11 होना, इसका अर्थ होता है एक्चुअल में भाग जाना, मगर हमारे बोर्ड के माध्यम द्वारा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे जो घा वाला ऑप्शन है बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, ये नहीं होगा, इसकी जगह आप लिखिएगा भाग जाना, 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। और लास्ट वाला है जो माता का आंचल, तो माता का आंचल शिव पूजन सहाय जी की रचना है, तो आप लोग पांचवे का उत्तर भाग जाना लिख लीजिएगा, बाकी मैंने यहाँ निशान लगा दिए हैं, तो इस हिसाब से आपको लिख देना, मगर क्या प्रश्न के सामने ठीक उत्तर लिखना है, उस तरीके से लिखना। अब बारी आई एक वाक्य में उत्तर, तो विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो वो है गर्मी से व्याकुल। दूसरा है तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है, तो ये है सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी को तृप्त धरा कहा गया है। फिर वर्ण मात्रा यति यादि से नियोजित रचना को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। फिर चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, लगभग 2 फुट ऊंची। उपासना करने वाला क्या कहलाता, उपासक। और पहला आंचलिक उपन्यास क्या था बच्चों, देहाती दुनिया। अब देखो इनके उत्तर कैसे लिखना है, पूरा एक तरफ लिख के बता दे रहा हूँ, आप डालिएगा हेडिंग इस तरीके से ब्लैक पेन से, एक वाक्य में उत्तर, फिर एक से लेकर के पहले का उत्तर क्या है, गर्मी से व्याकुल क्या था, विश्व के सकल जन कैसे हो रहे थे, गर्मी से व्याकुल। दूसरा लिख दीजिएगा सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी को तृप्त धरा कहा गया है। तीसरा है वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को बच्चों
छंद कहते हैं। चौथा था चौपाई, छंद में कुल कितनी मात्राएं, तो इसके प्रत्येक चरण में मतलब 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। फिर पांचवा था नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी, तो वो थी लगभग 2 फुट ऊंची। फिर पांच छठवा है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो उपासना करने वाला बच्चों उपासक कहलाता है। सातवा है लास्ट वाला जो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो बच्चों हिंदी का जो पहला आंचलिक उपन्यास है उसका नाम है देहाती दुनिया। ये जो है हमारे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। इस तरीके से आपको पूरा जमा करके लिख देना है। इसके बाद बच्चों सत्य असत्य की बारी आती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बच्चों सत्य असत्य लिखिए, राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए, जी हाँ सत्य बात है, सत्य लिख दीजिएगा इसका उत्तर। फिर है खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद हो, नहीं ये असत्य है। तीसरा है कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती, जी हाँ तीसरा सत्य है। चौथा असत्य है, पांचवा सत्य है और छठवा भी सत्य है। तारकेश्वरनाथ ही भोलेनाथ था, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। तो तारकेश्वरनाथ ही भोलेनाथ था, तो वहाँ पे दो नाम थे उनके, तो पूरा लिख दीजिएगा पहला सत्य दूसरा सत्य तीसरा सत्य चौथा सत्य पांचवा और छठवा दोनों ही सत्य। फिर बारी आई एक जो दो दो नंबर के प्रश्न है उनकी, तो पहला है छायावाद की 2 विशेषताएं और भक्ति काल की 2 विशेषताएं। इन दो में से किसी एक को आपको हल करना था। प्रश्न आपके सामने, अब देखिए इनको बहुत अच्छे से सजा संवार करके आपको लिखना है। सजा संवार के मतलब साफ सफाई रखनी, क्योंकि घर से आप एग्जाम दे रहे बच्चों, तो जल्दबाजी नहीं करिएगा। ये है उनका उत्तर जो आपको लिखना हो। छायावाद की विशेषताएं तीसरे नंबर का प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ, और भक्ति काल की 2 विशेषताएं दूसरे नंबर में लिखा हुआ है। क्या है छायावाद की विशेषताएं, आत्म अभिव्यक्ति, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। भक्ति काल में भी दिया हुआ, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिएगा। सातवां प्रश्न था महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए, और था अथवा में गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम और काव्यगत विशेषताएं। तो इनमें से मैंने आपके लिए देख लीजिए यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर है, एक प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी वाला। तो ये देख लीजिए उनकी 2 रचनाओं के नाम, तो क्या थी विनय पत्रिका, गीतावली, रामचरितमानस तो है ही उनका सबसे बेस्ट, और बाकी 2 रचनाएं और देती है। और उनकी विशेषताएं ये पूरी लिखी हैं कि अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचना की, और पूरा लिखा हुआ छंदों का प्रयोग वगैरह, तो इसको देख लीजिएगा। आठवां प्रश्न है कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी, और आग से रोटियां सेंकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी क्यों समझा, तो इसका उत्तर आप देख लें यहाँ पे मैंने जो आपको प्रस्तुत किया है वो है बेटा निराला वाला, कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी, वही निराला वाला है। तो देखें आप पहला पॉइंट तो पूरा लिखा है, समा नहीं पा रही है यहाँ तक, और फिर दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा क्या था ये अगले पेज में था, तो मैंने इस पेज को यहीं पर सेट कर दिया है ताकि आपको 5 पॉइंट एक ही स्क्रीनशॉट में आपको मिल जाए। तो ये 5 पॉइंट लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला है महाकाव्य की परिभाषा और उदाहरण लिखना है, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए बच्चों महाकाव्य वाला प्रश्न का उत्तर दे दिया है। महाकाव्य क्या होता है बच्चों देख लें आप, जिसमें सर्गों का निबंधन हो वह महाकाव्य कहलाता है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, ये आपके बहुत अच्छे उत्तर हैं। महाकाव्य में देवता या अष्टादश क्षत्रिय जिसमें धीरोत्वादी गुण हो नायक होता है, कहीं एक वंश के अनेक सत्कुलीन भूप भी नायक होती हैं, ये पूरा लिखा है। फिर उदाहरण लिखा है, देखिए महाकाव्य की परिभाषा ये है जो ये प्रादश प्रश्न बैंक से मैंने यहाँ पे आपको प्रस्तुत की है। फिर अगला प्रश्न आता है दसवां, आख्यानक गीतिका से क्या तात्पर्य है, और पाठय मुक्तक काव्य से क्या आशा है, इसको आपको उदाहरण सहित बताना है। दोनों प्रश्न अपने आप में अच्छे, बच्चों यहाँ जितने प्रश्न आए हैं इनको सबको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो देख लेते इसका उत्तर, पाठ्य मुक्तक काव्य से क्या होता है, पाठ्य मुक्तक में विभिन्न विषयों की लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान कविताएं आती हैं, इनमें भावों की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया जाता है। उदाहरण है कबीर, तुलसी, जैसे कबीर की भावना बहुत अच्छी थी उन्हीं के बारे में पूरा लिखा है। तो ये पाठ्य मुक्तक काव्य की परिभाषा और उदाहरण हो गए। इसके बाद 11वां प्रश्न, किन्हीं 2 उपन्यास के नाम और उनके लेखकों के नाम, और किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम और उनकी 2 कहानियों के नाम। ये तो आपको बच्चों हमेशा याद रखना है कक्षा 10वीं में, ये प्रश्न तो नॉर्मली पूछा ही जाता, देख लें आप 2 उपन्यास के नाम, लेखकों के नाम और कहानी और कहानीकारों के नाम, इसलिए दोनों के उत्तर यहाँ दे दिए हैं, उपन्यास और लेखक ये लिखे हुए हैं। बच्चों अगर ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में। अगला है 12वां, रामरक्ष मैनीपुरी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, और मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये 2 प्रश्न थे, 2 में से कोई एक करना था, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है। देखें आप इसका उत्तर क्या है,
ये देखें आप, ये लिखा हुआ है मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। मन्नू भंडारी की कहानी और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों के चित्रण की प्रधानता होती है। इनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन, एक्चुअल में ये छायावादी के हिसाब से इन्होंने पूरी रचनाएं लिखी थी, तो ये पूरा लिखा हुआ है। इतना लिख के आप समाप्त कर देंगे। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लें आप, ये है बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत ही लेंदी था, बड़ा था, तो इसको छोड़ करके मैंने इसके अथवा वाला वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, मतलब जो संस्कारी व्यक्ति होता है वो कौन होता है, तो उसका उत्तर ये है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा किसी भी नए तथ्य का दर्शन करता है, अर्थात जिसने अपनी योग्यता के बल पर नई चीज का आविष्कार किया हो वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहलाने के योग्य है, अर्थात एक वैज्ञानिक बुद्धि वाला। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बच्चों ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम की दृष्टि से भी। इसके नीचे है समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इन दोनों में मुझे ये वाला समास ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसका उत्तर दे दिया कि जब परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को मिलाकर उनके बीच आई विभक्ति आदि का लोप करके। बच्चों एक चीज सुन लो, ये पूरी परिभाषा अच्छे से तैयार कर लेना, बचपन में जो परिभाषा पढ़ी थी अब वो काम नहीं करेगी, जैसे जैसे क्लासें बढ़ती हैं आपके हर चीज में इम्प्रूवमेंट आता है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी थोड़ी अच्छी लिखनी पड़ेगी। अब इसके बाद 15वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो ये है, जिस दिन जॉर्ज पंचम की नाक लगनी थी उस दिन सभी अखबार चुप थे, क्योंकि कहीं कोई सम्मेलन का जिक्र नहीं था, क्योंकि अपनी व्यवस्था के दोष के कारण सरकार कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। फिर ये पूरा लिखा हुआ है, ये दो पॉइंट थे, दोनों के उत्तर यहाँ पे आपको मैंने दे दिए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, मात्रिक छंद एवं वार्णिक छंद में अंतर लिखना है और संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर। तो यहाँ पे मैंने आपको वार्णिक और मात्रिक छंद में अंतर बता दिए हैं। देखें मात्रिक छंद क्या होता है, जिसमें सभी चरणों में संख्याएं तो समान होती लेकिन क्रम समान नहीं होते, और इसमें क्या है, सभी चरणों में संख्या और क्रम दोनों समान होते हैं, इनमें मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, इसमें वर्णों की संख्या एवं रूप निश्चित रहते हैं, मात्राएं नहीं। तो ये मात्रिक और वार्णिक छंद के दोनों के अंतर हो गए दो दो। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, विज्ञापन लेखन व सूचना लेखन में तीन अंतर और लोकोक्ति व मुहावरे में कोई तीन अंतर बताने हैं। तो बच्चों यहाँ विज्ञापन लेखन के छोड़ के मैंने यहाँ पे आपको मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताए हैं, देख लें आप इनको, बहुत सिंपल अंतर है। यहाँ पे मैंने तीन अंतर लिखा दिए हैं आपको। मुहावरा एक वाक्यांश है जो विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं, और लोकोक्ति क्या होती है, लोक में उक्ति, जो लोक में प्रचलित उक्ति होती है। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, तीन अंतर है, तीनों का आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, तो बहुत अच्छे से आप इसको देख ले। और अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, ये अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, अपठित गद्यांश वाला। तो देखो ये पूरा गद्यांश को आपको पढ़ के इसका उत्तर देना है, तो पहले तो आप इसका शीर्षक लिखेंगे, तो इसका शीर्षक हो जाएगा बच्चों देशभक्ति की भावना या फिर देश प्रेम, ये शीर्षक। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। तो ये देखें जहाँ पे ये अब लाल डब्बा आने वाला है, ये आया आपके सामने, इतना पूरा लिख दीजिएगा, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जब तक व्यक्ति देश को अपना आराध्य नहीं बनाता तब तक देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत नहीं होता। अब बारी आई सारांश की, तो बच्चों ये जो पैराग्राफ लिखा है इसी को थोड़ा सा शॉर्ट करके आप इसको कम शब्दों में लिख दो, वही हो गया सारांश। इसके बाद बारी आई 19वें प्रश्न की, कि आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह का एक अनुच्छेद लिखना है, या फिर पुराने समय में स्त्री शिक्षा संबंधी बातों के बारे में अपनी दादी नानी, ये पूरा ये जो भी है संवाद आपको वो लिख देना है। तो यहाँ पर देख लें आप लोग, मैंने आप लोगों को ये वाला प्रश्न सांस्कृतिक वाला ये, तो ये पूरा देखें पहले, तो यहाँ पे ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो इसको दो पार्ट में दिया है। हमारे विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक समारोह में ये पूरा है, इनको किसको निमंत्रण दिया गया और वो कब आएंगे, किस तारीख को ये कार्यक्रम है, ये पूरा। तो यहाँ पे देखें व्यवस्था की गई है वहाँ तक है, पर सभी छात्र छात्राओं से आगे से ये है, सभी छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना स्वागत गान। बच्चों एक्चुअल में ये पुस्तक से मैंने फोटो खींच के आपके लिए अपलोड की है, तो आजू बाजू जो आ रहे हैं उनको थोड़ा आप इग्नोर करके बीच बीच का जो आ रहा है उसे ही लिख लीजिएगा, और बहुत अच्छे से लास्ट तक पूरा लिखकर इसको अपने आंसर को कंप्लीट कर दीजिएगा। अब इतने तो आप लोग समझदार हैं ही, इसको कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न है पद्यांश वाला, गद्यांश पद्यांश और अपठित गद्यांश या पद्यांश ये जरूर आते हैं। यहाँ देखें,
छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुलंग सुधियां सुहावनी, छवियों के चित्रगंध फैली मन भावनी, ये पूरा है। तो देखिए छाया मत छूइए, आप भी सीधे उत्तर पे आइए। तो ये पूरा है प्रश्न का उत्तर यहाँ पे। तो देख संदर्भ क्या लिखा, प्रसंग क्या लिखा, अभी थोड़ा सा फैला हुआ है, अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते, प्रश्न दिखाना था इसलिए फैलाए दिए थे। अब देखें यहाँ से पूरा लिख दीजिएगा, संदर्भ ये है पूरा, प्रसंग ये है, भावार्थ ये है, और लास्ट में काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य वाला पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा, जितना यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखें आप अलग अलग गाइडों से अलग अलग पुस्तकों से ये उत्तर मैंने आपके लिए प्रस्तुत किए हैं, जो बेस्ट उत्तर मिले हैं उन्हीं को मैंने आपके लिए यहाँ पे दिया है। तो काव्य सौंदर्य वगैरह सब बहुत अच्छे से आपको लिख देना है। इसके बाद बारी आती है अगले प्रश्न की। 21वां प्रश्न है, बड़े शोक की बात है कि आजकल कुछ लोग भी ऐसे, और फिर उसी के अथवा में था मूर्ति संगमरमर की थी, तो मूर्ति संगमरमर वाला हमने आपको यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। यहाँ भी दो पेज में था तो मैंने पेज को थोड़ा सा एक साथ लगाने का प्रयास किया है। देखें पूरा कहीं कुछ भी नहीं कटा है। देखें जहाँ नया पेज ऐड हुआ वहाँ देखें ऊपर क्या लिखा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरीके से पूरा ए टू जेड कम्प्लीट है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है 22वां प्रश्न, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको अंक सूची की आपको द्वितीय प्रति मंगवानी है बच्चों, इसके लिए उत्तर आपको लिखना है। तो आप उत्तर ये है पूरा का पूरा, आप इसको देख लें, प्रति लिखेंगे सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर लिखा है प्रति, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, फिर विषय लाल डालिएगा। विषय आप चाहें तो ऐसा ना डाल करके जैसा इन्हें डाला, ऐसा ना डाल करके विषय को लास्ट से लिख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जैसे मान्यवर के ठीक ऊपर से, फिर आप लिखेंगे मान्यवर या फिर महोदय जी, फिर पूरा आपको जो टॉपिक है वो लिख देना है। अपना नाम लिखिएगा, याद से आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम लिखना है, और अपने स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है, बाकी जो कहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर इसके बाद 23वां प्रश्न था निबंध रचना। तो यहाँ पे निबंध रचना मैंने आप लोगों को ये जो आपका स्त्री शिक्षा का महत्व, नारी शिक्षा का महत्व, क्योंकि ये एक ज्वलंत मुद्दा है। हाँ, अब आप याद रखिएगा विज्ञान के चमत्कार थोड़ा सा आपके दिमाग से आउट हो जाएगा, क्योंकि नए एनसीईआरटी पैटर्न में विज्ञान के चमत्कार को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है, नए टॉपिक आ रहे हैं। तो आप स्त्री शिक्षा का महत्व वाला तैयार कर लीजिएगा, ये नारी शिक्षा के महत्व के नाम से लिखा है, तो आप उससे टेंशन नहीं लीजिएगा। ये पूरे के पूरे पॉइंट हैं बच्चों, इनको तैयार कर लें। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर कर दें अपने दोस्तों को भी, ताकि उनको भी आपके साथ ये सटीक सही उत्तर मिल जाएं और उनका भी पेपर अच्छा जाए। फिर से मैं कहूँगा लास्ट बात, बच्चों पेपर में बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, ये एग्जाम आप घर से दे रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, कॉपी में काटापीटी ना हो, साफ सफाई से लिखें ताकि आपको अच्छे नंबर मिलें। अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और अपना स्नेह इसी तरह लुटाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।